पंजाब के अमृतसर में एक बार पुनः भयानक गैंगवार की वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगस्टर जरनेल सिंह को गोलियों से भून दिया गया। जी हां दोस्तों, जरनेल सिंह के ऊपर तकरीबन 25 राउंड गोलियां बरसाया गया और वारदात पर ही जरनेल सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों आप सबों को याद होगा 29 मई 2022 की घटना, जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने गोलियों से भून दिया था। ठीक एक साल पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था। दोस्तों जिस कदर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करा गया था, उसी कदर बताया जा रहा है गैंगस्टर जरनेल सिंह के ऊपर भी फायरिंग करा गया। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरह से जरनेल सिंह का हत्या करा गया और जरनेल सिंह के हत्या के मामले में किसका नाम निकल कर सामने आ रहा है, क्या इस मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई शामिल है। तमाम बातों का चर्चा सिलसिलेवार तरीके से करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों बताया जाता है जब जरनेल सिंह के ऊपर फायरिंग करा जा रहा था उस वक्त वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था और तमाम वारदात उस कैमरा के अंदर कैद हो गया। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, यही है सीसीटीवी फुटेज। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से इसको मारा गया जिस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बाकी दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर चार शूटर होता है, चार शूटर जो कि अचानक आता है और जरनेल सिंह के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर चार शूटर होता है, यहाँ पर आपको एक दो और तीन शूटर अभी दिख रहा होगा और दोस्तों एक शूटर जो कि अंदर प्रवेश कर जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये गेट से जरनेल सिंह निकलता है और जरनेल सिंह जैसे ही गेट से बाहर आता है, दरअसल बताया जाता है जरनेल सिंह दुकान पर गया हुआ था कुछ सामान लाने के लिए। अब दोस्तों इस घटना को कहाँ अंजाम दिया गया है जरा वो भी जान लो। दरअसल बताया जाता है पंजाब के अमृतसर के सठियाला गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया है। जरनेल सिंह के बारे में बताया जाता है ये गोपी घनश्यामपुरिया गैंग के लिए काम करता था। लेकिन अब दोस्तों जरनेल सिंह की हत्या के बाद बहुत सारे मीडिया कर्मियों का मानना है कि जरनेल सिंह का हत्या गोपी घनश्यामपुरिया गैंग के गुर्गों ने ही करा है। वैसे दोस्तों आपको मैं एक बार पुनः याद दिलाना चाहता हूँ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की उस वारदात को, जब सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भून दिया गया था। दोस्तों आपको पता ही होगा कि 29 मई का वो घटना जो कि कितना ज़्यादा खतरनाक था, पूरे इंडिया में तहलका मच गया था। आपको बता दूं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक उसके ऊपर फायरिंग हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जरनेल सिंह को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करा जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो जरनेल सिंह जो कि कितना ज़्यादा हट्टा कट्ठा दिख रहा है। जरनेल सिंह के बारे में बताया जाता है ये बहुत ज़्यादा मजबूत था। दोस्तों अगर ये अपने पावर का इस्तेमाल करता तो चारों गैंगस्टरों को वहीं पर ये मूर्छित कर देता। लेकिन दोस्तों वो चारों शूटर जो कि मुंह पर काला कपड़ा बांध कर आया था, बताया जाता है वो लोग अपने मुंह को व्हाइट कपड़ा से या फिर काला कपड़ा से ढका हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये तीनों शूटर का मुंह जो है बिल्कुल एकदम ढका हुआ है, जिस वजह से बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज में ये वारदात तो कैद हो गया, लेकिन दोस्तों उन चारों बदमाशों के बारे में अब तक पता नहीं लग पाया है कि वो लोग है कौन। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, पंजाब के अंदर इस बीच कई तरह का कांड देखने को मिला है। पंजाब के अंदर हाल ही में गैंगस्टर सुखा बाड़वालिया को मारा गया था। दोस्तों सुखा बाड़ेवालिया के बारे में बताया जाता है वो भी पंजाब के अंदर कई तरह का कांड करा था, लेकिन सुखा बाड़ेवालिया को भी गोली मार दिया गया था। अब दोस्तों सुखा बाड़ेवालिया की हत्या के बाद जिस तरह से गैंगस्टर जरनेल सिंह को मारा गया है, ये भी कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। बाकी दोस्तों आपको बता दूं, पंजाब के अंदर जिस तरह से कांड पे कांड हो रहा है, जिस तरह से किसी को भी दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जा रहा है, ये पंजाब पुलिस के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है और पंजाब के आम पब्लिक के लिए भी ये शुभ संकेत नहीं है। हालांकि दोस्तों देखते हैं इस मामले में अमृतसर पुलिस क्या कदम उठाती है। फिलहाल बताया जा रहा है जरनेल सिंह की हत्या के बाद इसके परिवार के सभी लोग बेहद उदास हैं, क्योंकि दोस्तों जरनेल सिंह के बारे में बताया जाता है ये आपराधिक काम करके ही अपने परिवार को भी चलाता था। बाकी दोस्तों जरनेल सिंह का और भी कुछ अलग अलग बिजनेस था जिसके जरिए ये कमाई धंधा करता था। बाकी जरनेल सिंह के बारे में बताया जाता है ये बेहद दबदबा वाला आदमी था, ये कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, डरता नहीं था। लेकिन दोस्तों अकस्मात जिस तरह से जरनेल सिंह का हत्या करा गया, जिस तरह से जरनेल सिंह के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करा गया, अब इसके बाद तो दोस्तों चारों तरफ लोगों के अंदर एक तरह से खौफ मच गया है। हालांकि मैंने आपको बताया कि इस घटना को अंजाम दिया गया है सठियाला गांव के अंदर। जरनेल सिंह के बारे में बताया जाता है ये एक दुकान पर गया हुआ था सामान लाने के लिए और उसी दौरान दुकान से बाहर निकलता है और इसके ऊपर चार शूटर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। और दोस्तों जब तक ये मरता नहीं है तब तक वो चारों शूटर वहां से भागता नहीं है, इसको पूरी तरह से खल्लास करने के बाद वो लोग वहां से फरार हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने तमाम बातों का जानकारी दे दिया। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई जानकारी भी मिली होगी। बाकी दोस्तों हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें,
और आप अपने दुश्मनों से हमेशा सुरक्षित रखिए अपने आप को। और वैसे भी दोस्तों कभी भी किसी से दुश्मनी भी नहीं करना चाहिए। अगर जर्नैल सिंह आपराधिक काम नहीं करता तो शायद इसका दुश्मन भी नहीं बनता, और आपराधिक काम करा इसी वजह से इसका दुश्मनी हुआ, जिस वजह से आज देखो जर्नैल सिंह जो कि इस दुनिया में नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों जिस तरह से जर्नैल सिंह की हत्या के बाद अब कहा जा रहा है कि गोपी घनश्यामपुरिया गैंग के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो ये सच है या फिर झूठ है ये तो अमृतसर पुलिस ही पता लगाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ अगले नए वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।